आज हम अपने चैनल डब अनबॉक्सिंग पर आपके लिए लेकर आए हैं एक और नई वीडियो। और आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक स्टीयरिंग वाली स्पीड रेसिंग कार। और मैंने इसको मंगाया है ऑनलाइन फ्लिपकार्ट की ओर से। और आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खरीदना चाहते हैं तो वहाँ जाकर आप लिंक पर टच करके इसे खरीद सकते हैं। और चलिए जल्दी से इसके बॉक्स खोल लेते हैं। बॉक्स और बॉक्स में हमें लिखा मिल जाता है स्पीड रेसिंग और 124 स्केल्स। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं बॉक्स। और हमने इसको मंगाया है येलो कलर के अंदर और रेड कलर का इसका रिमोट मिल जाता है। आप देख सकते हैं रेड रिमोट और येलो कार, चलो कोई नहीं। और उसमें फीचर मिल जाते हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड टर्न राइट एंड टर्न लेफ्ट। और हम चलिए पीछे देख लेते हैं हमें कितने कलर के अंदर हुड मिल जाती है। हमें ब्लू कलर, रेड कलर, येलो एंड ऑरेंज कलर के अंदर हमें मिल जाती है। तो चलिए पीछे लिखा मिल जाता है स्पीड रेसिंग। और चलिए जल्दी नैप्स की मदद से हम इसको करते हैं अनबॉक्स। और बहुत ही प्यारा बड़ा सा बॉक्स हमें देखने को मिल जाता है। और आप हमारे चैनल डब अनबॉक्सिंग में पहली बार तो चैनल डब अनबॉक्सिंग को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन जरूर दबा लें। और वीडियो को एक लाइक कर दें और अच्छी से कमेंट करें और बताएं आपको हमारी अनबॉक्सिंग कैसी लगी। और चलिए जल्दी से इसके बॉक्स से हम इसको निकाल लेते हैं। इसके बॉक्स को रखते हैं साइड में। और आप देख सकते हैं बॉक्स के अंदर काफ़ी अच्छे से हमारी कार रखी हुई मिल जाती है। और प्योर बहुत रिमोट का साइज़ हमें बहुत ही बड़ा मिल जाता है। आप देखते हैं कार से बड़ा तो हमारा रिमोट ही मुझको लग रहा है। तो चलिए जल्दी से इसको निकाल लेते हैं। और ये हमारा बंधा हुआ है प्लास्टिक की रस्सी से, आप देख सकते हैं। चलिए जल्दी से हम इसके पीछे से खोल के देखते हैं खुलता है नहीं हमारी कार एंड रिमोट। तो चलिए जल्दी जल्दी से इसको मैं खोल लेता हूँ और करते हैं इसको खोलकर कार की बात। और आप देख सकते हैं हमने अपनी कार को निकाली और बॉक्स में हमें कुछ भी नहीं मिलता आपने देखा है। और पहले मैं रिमोट की बात करूँगा क्योंकि रिमोट ही मुझे बहुत ही कलरफुल रेड कलर के अंदर और इसके अंदर में मिल जाते हैं बटन। आप देख सकते हैं येलो कलर के बटन लगे हुए मिलते हैं, फोर बटन। आप देख सकते हैं एक हमारी फोर बटन वाली कार। और देख सकते हैं येलो कलर के अंदर लिखा है स्पीड रेसिंग। स्पीड रेसिंग कार की फोटो मिल जाती है बीच में और लाइट इंडिकेटर मिल जाता है रिमोट में, जिससे हमें पता लगा हमारा रिमोट वर्क कर रहा है नहीं। और एक बड़ा सा एंटीना ब्लैक कलर के अंदर रेड लाइट ऊपर मिल जाती है। और आप देख सकते हैं वो कलर के जैसा सेम बिल्कुल हमें बैटरी कंपार्टमेंट का भी ऊपर का ढक्कन भी ऐसे ही मिल जाता है स्पीड रेसिंग कार के अंदर। तो चलिए जल्दी से दो बैटरी आप कोई भी ब्रांड की इसके अंदर लगा सकते हैं। चलिए जल्दी से बैटरी लगा कर देखते हैं हमारी कार वर्क करती है नहीं। और कार बिल्कुल न्यू कंडीशन एंड गुड लुकिंग कार हमें मिल जाती है। और रिमोट की क्वालिटी की बात करूँ बहुत ही अच्छी, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से एडजस्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं रिमोट का साइज बहुत बड़ा मिल जाता है, रिमोट बहुत ही प्यारा मिलता है मुझको। और करते हैं अपनी अब आ जाते हैं अपनी कार पर। कार देख सकते हैं कार का साइज ज़्यादा बड़ा भी नहीं, मीडियम कहूँगा इसको, हम मीडियम कार बोलेंगे। और आप देख सकते हैं स्पोर्ट कार जैसे डिजाइन किया हुआ है और लिखा ऑटो स्पीड एंड मीटर भी लगा हुआ है देख सकते हैं आप। और टायर भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, प्लास्टिक के टायर हैं, रबड़ मिल जाती है हमें। और आप देख सकते हैं इसका डिजाइन काफ़ी फंटास्टिक डिजाइन के अंदर हमें मुझको देखने को मिल जाती है। आप देख सकते हैं ऊपर कलर की लाइट ऐसे ही बनाई हुई है कलर से, क्योंकि लाइट तो उसमें नहीं लगी हुई फ्रंट में और बैक में भी लाइट नहीं मिलती, बस ऐसी डिजाइन की हुई देख सकते हैं। और ये ब्लैक कलर का मिल जाता है ये पार्ट हमारा देख सकते हैं। वो ब्लैक कलर के इसमें विंडो लगी हुई है काफ़ी, आप डिजाइन देख सकते हैं, डिजाइन काफ़ी अट्रैक्टिव मिलता है देखने में, बिल्कुल स्पीड रेसिंग स्पोर्ट्स कार लुक भी मिल जाता है हमें देखने में। आप देख सकते हैं काफ़ी अमेजिंग लग रही है हमारी कार। और नीचे का बैटरी कंपार्टमेंट की बात करूँ आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ हमारा एक ऑन एंड ऑफ का स्विच और इसके अंदर मिल जाती है हमें एडजस्ट करने के लिए। आप देख सकते हैं टायर को एडजस्ट कर पाएंगे आप देख सकते हैं राइट एंड लेफ्ट में। ये मुझे फीचर बहुत ही अच्छा लगता है, इससे हम अपनी कार को ज़्यादा टर्न कर लेते हैं आसानी से। और ये है हमारा बैटरी कंपार्टमेंट है, हर ये एक हमारी मेड इन इंडिया की कार। तो दोस्तों मेड इन इंडिया की टॉय कार है, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और चलिए देखते हैं हमारा बैटरी कंपार्टमेंट। इसके अंदर हमें अपनी थ्री बैटरी लगानी होगी जो हमने टू बैटरी रिमोट में लगाई है, तो हमें फाइव बैटरी खुद के पास से लगानी होगी क्योंकि बैटरी हमें इसके साथ नहीं मिलती। तो चलिए मैं आपको बैटरी लगा देता हूँ, तीन बैटरी इसके अंदर डाल लेते हैं जल्दी से। और चलिए जल्दी से डाल कर दिखा देते हैं क्योंकि इसको आने वाला है बहुत ही मज़ा चलाने में। देखते हैं हमारी कार हमें डैमेज तो नहीं मिलती, कोई मैंने इसको मंगाया ऑनलाइन फ्लिपकार्ट की ओर से देख लेते हैं। तो स्विच को कर दें ऑन, कोई लाइट इंडिकेटर नहीं मिलता, चलो कोई नहीं। और कार का वेट की बात करूँ बहुत ज़्यादा मिल जाता है, कलर आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग मिलता है येलो कलर बहुत ही। और प्लास्टिक तो बिल्कुल ही हार्ड, बहुत ही हार्डिच मिलती है, एकदम अमेजिंग प्लास्टिक का यूज़ किया हुआ है इसमें। और विंडो भी काफ़ी अच्छी प्लास्टिक की मिली है और वेट ज़्यादा मिल जाता है यार, बैटरी डालने के बाद तो और ज़्यादा वेट लगता है हमें अपनी कार के अंदर। और चलिए देखते हैं हमारा रिमोट वर्क करता है नहीं। तो आप देख सकते हैं जो राइट साइड में हमें बटन मिलते हैं, आप देख सकते हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड में हमें वर्क कर लेते हैं हमारे बटन। और जो लेफ्ट साइड में मिलते हैं आप देख सकते हैं राइट एंड लेफ्ट में, आप देख सकते हैं टायर हमारे। तो हमारी कार बिल्कुल ओके मिलती है। कार को लेकर चलते हैं हम आउटडोर में, हो देखते हैं इसकी स्पीड टेस्ट हमें कैसी मिलती है। और दोनों ही मुझे कार एंड रिमोट काफ़ी अच्छे एंड अमेजिंग लगे, आप इसे बाय कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी कार मिलती है हमें अंडर 1000 के अंदर। मैंने इसको बाय किया ओनली 700 रुपये के अंदर। तो चलिए लेकर चलते हैं इसको आउटडोर में।